नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पोखरियाल। चलिए ले चलते हैं आपको जोशी मठ की ओर। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी और त्रिवेंद्र। आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी और उत्तराखंड के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत कड़कड़ाती सर्दी के बीच बद्रीनाथ धाम पहुँचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दोनों प्रदेशों के मुखियाओं ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में अपने पितरों की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान तथा तर्पण भी किया। बता दें, जिसके बाद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का शिलान्यास भी किया, जिसके बाद दोनों ही प्रदेशों के मुखिया भारत के अंतिम गांव माणा रवाना हुए, जहां कि दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने सेना के जवानों से बातचीत की तथा सेना के जवानों का हाल जानकर मनोबल भी बढ़ाया। चमोली से सोनू उनियाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। सर 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 भाई साहब सर सर पंडित जी नर और नारायण पर्वत के बीच में पवन ममता के तट पर बसा यह पवन धाम हजारों वर्षों से भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। भारत की आस्था को एक नई प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होती है। आज यहाँ पर मुझे न केवल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक यात्री विश्रामालय जो उत्तर प्रदेश पर्यटन आवास निगम की ओर से यहाँ पर मिलने जा रहा है, उसका भूमि पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर यहाँ पर प्रदान किया है। उत्तराखंड में पर्यटन और श्रद्धा दोनों को सम्मान देने के लिए और पर्यटन की संभावना को विकसित करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं और अभिनंदनीय हैं, स्वागत होते हैं। मुझे कल और परसों केदारनाथ धाम में भी रुकने का अवसर प्राप्त हुआ था। अद्भुत परिवर्तन वहाँ देखने को मिला। अपने पुरातन वैभव और जिस प्रकार की आस्था के लिए देश और दुनिया इन पवित्र धामों को देखने के लिए स्वरूप एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला, सचमुच आत्मा प्रफुल्लित होती है। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार संपूर्ण आयोजन के प्रेरक हैं देश के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वैसे अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए सफल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बधाई भी देता हूँ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है
कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग एक वर्ष से कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित अपना सानिध्य दिया, उसके लिए उनका आभारी हूँ। साथ ही आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से बर्फबारी हुई है, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मैं जनपद चमोली के लिए देने की घोषणा कर रहा हूँ ताकि हमारे जो अतिथि यहाँ पर देश भर से आते हैं उनको कोई तकलीफ न हो, वो आसानी से अपना रास्ता गंतव्य तक पहुँच सकें। एक हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं भेंटोली, जब कोई अपने मेहमान आते हैं तो उनको भेंट किया जाता है, तो उसमें हम लोग अपना लोकल उत्पाद देते हैं। तो मैं पूज्य गुरु जी